सकते। वहीं महाराष्ट्र में हिंसा पर संजय राउत ने सवाल उठा दिए हैं। राउत ने कहा है कि त्रिपुरा के बाद महाराष्ट्र में ही हिंसा क्यों हुई, दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हिंसा हुई। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में हिंसा के पीछे कोई साजिश तो नहीं। और सिर्फ महाराष्ट्र में ही क्यों, सिर्फ त्रिपुरा में ही क्यों, ये सवाल हमारे सामने है। हाँ, या पूरे देश में हिंदू है ना, फिर सब जगह पर रिएक्शन उठनी चाहिए। फिर सिर्फ अमरावती में उठती है, मराठवाड़ा में रिएक्शन होती है। महाराष्ट्र को अस्थिर करना, देश में एक तनाव का माहौल पैदा करना, ये कोई साजिश हो रही है क्या? त्रिपुरा पश्चिम बंगाल का नज़दीक का राज्य है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में आजकल तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज के रूप में उभर रही है। क्या इसलिए कोई साजिश त्रिपुरा में रची जा रही है और उसका पूरा वातावरण पूरा देश में बिगड़ रहा है? और भी बातें हैं इस देश में, उसके ऊपर मोर्चा निकलना चाहिए। शुक्रवार को जब पहली बार महाराष्ट्र में हिंसा शुरू हुई तो पुलिस के एक्शन में देरी पर भी सवाल उठे। रजा एकेडमी खुद ये बात मान रही है कि उसकी बंद की कॉल के बाद हिंसा हुई। अब शिवसेना में भी रजा एकेडमी पर कार्रवाई की बात उठने लगी है। ठीक है, आप सोशल मीडिया पे लगातार मुंबई बंद तो आज भी ये बोलेंगे और अभी आपके सामने बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मुंबई बंद, औरंगाबाद, बुल्ढाना बंद, लगातार ऐसे पोस्ट क्या है? बंद करने में क्या कौन सी चीज है इसके अंदर है? कौन सी चीज ऐसी है कि जो गैर कानूनी बंद है? बोला बंद बोल रहे हैं, आज बोल रहे हैं। तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि तमाम लोग जो है किया गया है कि हुजूर के नाम पर लोग अपनी जाने कुर्बान करने का जज्बा पैदा हो। मतलब आप एडमिट कर रहे हैं कि आप करते हैं कि रसूलुल्लाह के नाम पर मुसलमानों को एक जा होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, अपनी जान की परवाह नहीं करना चाहिए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो अमन चाहते प्यार से रहते उनकी दुकानों पर जाकर हमला करना तो उसका मतलब क्या होता है? फिर रजा एकेडमी पर बैन की मांग करती है तो वो रजा एकेडमी गलत काम करी तो बैन होगा ही। बैन क्या करने की जरूरत है? यहाँ अच्छे प्रशासक बैठे हुए हैं, शासक भी अच्छी तरह से बैठे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।